इंग्लिश इंजिकोन टेस्ट फुल कोर्स लॉजिकल भी है इसमें, ठीक है, जो 20 अगस्त को उसके एमसीक्यूज है। फर्स्ट है द वर्ड ना, सॉरी 77 है कि ही वाज अ फिश आउट ऑफ वाटर एट हिज न्यू स्कूल। देखो वो कह रहे हैं मतलब वो मछली है, जैसे हम कहते हैं वो शेर है, तो ये मेटाफर होता है, सिमिली नहीं होता, ठीक है। वो शेर की तरह है फिर हम कहते हैं वो सिमिली होता है, ठीक है। ही इज लाइक अ लाइन, ही इज लाइक अ फिश द वर्ल्ड। अब ये वो कैब है, ये तो आप लोगों को रट्टे लगाने जहाँ जहाँ से देख ले, अपनी बुक के ग्लोसरी में पढ़े, ठीक है। तो कोई इसका मतलब होता है दबाव लगाना, ठीक है। तो फोर्स कुरेक्ट है। एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर, ठीक है, ज़्यादा। तो वेल्थी कुरेक्ट है। इसके लिए एंटोनिम ऑफ इमेक्यूलेट, सो इमेक्यूलेट कहते हैं दाग, जिस पे दाग ना हो, ठीक है, बेदाग, फॉल्टलेस, गलती ना। और स्टेन आपने पढ़ा होगा बायो में भी, रंग हो जिस पे रंग लगाते हैं, ठीक है, स्टेनिंग वाली टेक्निक, दागदार। अच्छा फिर आपके पास हैं 81 के आफ्टर अली एट अजियांट कुकी ही गॉट अ स्टमक। देखो टू सेंटेंस है, ठीक है, अलहदा अलहदा, तो ये कम्प्लेक्स में आते हैं। फिर अगर इधर कोई कंजंक्शन होता फैन बॉयज में से कोई भी, तो फिर ये कंपाउंड में आ जाता, ठीक है। एक होता तो सिंपल में आ जाता। डेंटिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, ही कॉमन जेंडर है, मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है ये। आई विल सेंड यू द नोटिफिकेशन, ईमेल के लिए थ्रू यूज़ करते हैं। इंफॉर्मेशन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। वेयर वॉज अ ब्यूटी, वाई वर यू बीटिंग दैट बॉय, सो वाई वर यू बीटिंग दैट बॉय। देखो आई एन जी है तो आपको बींग तो लाजमी लगाना है, तो ये बी और सी वाला ऑप्शन तो गए, इसमें बींग नहीं है। बाकी देखो वाज वर, वाज वर में ही रहता है पैसिव वॉइस में, इधर इन लोगों ने हैड में चेंज किया, दैट्स वाई ए ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ यू हैड ब्रॉट माई स्कूल सप्लीज फॉर मी, यू हैड ब्रॉट, थर्ड कंडीशनल हैड के साथ थर्ड फॉर्म आया, तो उधर वुड हैव आपने लगाना है, सी आपके साथ करेक्ट हो जाएगा। 87 है कि सारा सेड दैट शी बोरो अ स्वेटर ऑफ, तो यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन लगाओ, यूअर्स हो जाएगा, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी नहीं, ये फिर रॉन्ग हो जाएगा। और फिर आपके पास है देयर कार इज नॉट हैज ओल्ड हैज, फिर ओवर वाला आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अली सेड मैन इज मोटर, अब ये यूनिवर्सल थ्रूट है, इसको चेंज ना करो, अली सेड दैट मैन इज मोटर, ये बिल्कुल इस तरह करेक्ट है। चाइनीज आर फॉन्ड ऑफ ग्रीन टी, द वाला आर्टिकल इनके साथ करेक्ट है। तफ तफ आया है तो फिर हमें बट नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, तो फिर बट रॉन्ग है, दैट्स वाई बट वाला ऑप्शन गया। बी टोम यूजली, अब ये हमेशा काम हो रहा है, जब रोजाना होते हैं ना तो उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज़ करते हैं। 93 है आपके पास द वूमेन, अब इधर देखो वर्ब आया हुआ है द वूमेन हु कॉल्ड होता, ठीक है, द वूमेन हु के बाद फिर वर्ब आता है, हुम होता तो फिर प्रोनाउन आता। 94 है आपके पास कि मैरी क्यूरी वॉज बॉर्न इन पोलैंड इन 1867, शी इज प्रोबेबली द मोस्ट फेमस फीमेल साइंटिस्ट हु हैज एवर लाइव, फेमस फॉर हर वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी, शी वॉज ट्वाइस अ विनर ऑफ द नोबल प्राइज विद हर हजबेंड पीरी क्यूरी, शी वॉज अवार्डेड इन द 1903 नोबल प्राइज फॉर द फिजिक्स एंड वॉज देन सोल विनर ऑफ द 1911 नोबल प्राइज, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबल प्राइज। वो फर्स्ट है, ये कह रहे हैं कि वो फर्स्ट है, तो पैसेज में क्या कह रहा है प्यूरी, पैसेज में वो आप कह रहा है कि पीरी क्यूरी जो है ना उसने भी दोनों जीते थे, सो विद हर हस्बैंड पीरी क्यूरी शी वाज अवार्डेड द 1903 नोबल प्राइज, ये नहीं है कि उसके खावंद को भी दिया गया था, ठीक है, इसको दिया गया था। इसमें ये कह रहा है कि क्या मैरी क्यूरी वाज अ जॉइंट विनर ऑफ बोथ, नहीं, डेफिनेटली फॉल्स, उसने तो नहीं जीते ना, उसकी बीवी ने जीते थे। रीड द पैसेज, I am no conservation to talk about the impact of this technology on the planet, but I am concerned about how it affecting skill building of the student for 25 ever since ChatGPT was made available. There have been debate on its benefit and limitation for people from different walk of life, respectively academics. The outcome of this debate is very at the risk of sounding old school. As an educator, I am much concerned that it not only diminish student autonomy. मतलब बच्चे को कुछ नहीं आता ना, वो सीधे ChatGPT पे डाल के अपने लिए आंसर निकाल लेते हैं, यानी उसके अपने सलाहियत को कमज़ोर कर रहे हैं। तो जब कमज़ोर कर रहे हैं तो इसी वाला ऑप्शन देख लेना कि इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कंसर्न अराइज रिगार्डिंग द पोटेंशियल नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ChatGPT ऑन स्टूडेंट इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर देयर लर्निंग। तो ये बात बिल्कुल फिर इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है, बाकी सारी रॉन्ग है, ठीक है, दैट्स वाई इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। 96 में आपसे कह रहा है कि इन अ सर्टेन लॉन्ग को उसने क्या कर दिया, LAWN, तो उसको उसने कर दिया JCUP, तो J के बाद क्या आता है, J का ना KL, K को छोड़ के L, ठीक है, इसी तरह A के बाद क्या आता है, B को छोड़ के C, V के बाद क्या आता है,
यू है, डब्ल्यू यू वी के बाद डब्ल्यू, इसी तरह ये है आपके पास एन है, ओ के छोड़ के पी, फिर उसने क्या स्लिट, स्लिट को भी इसी तरह करो, तो स्लिट से एल था ना, एल से पहले क्या था, ए बी सी डी पी पी क्यू आर एस, तो इधर आ जाएगा क्यू आर के बाद आता है एस, अब एल है, एम को छोड़ के एन, इधर एन आ जाएगा, ठीक है, तो इधर अब आप देखो क्यू एन किस में मौजूद है, क्यू एन, ये ऑप्शन भी गया, ये वाला भी गया, क्यू एन, अब देखो फिर आपके पास क्या था, आई है ना, आई से पहले क्या आता है जी, एच को छोड़ के आई, ठीक है, ये भी करेक्ट है, तो जी किस में मौजूद है, क्यू एन जी भी, ये वाला आपके पास करेक्ट हो जाएगा। 97 है, ऑल द विंडोज आर डोर, जितने भी विंडोज हैं वो डोर में आते हैं, ठीक है, और नो डोर इज वाल, वाल का कोई ताल्लुक ही नहीं है डोर के साथ। अब आपको क्या कह रहे हैं, सम विंडोज आर वाल, क्या कुछ विंडो का वाल के साथ ताल्लुक है, नहीं, और फिर नो वाल इज अ डोर, ये सभी हमने कहा वाल और डोर का कोई ताल्लुक नहीं है, तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ठीक है। 98 में आपसे कह रहा है कि थ्री देयर आर फाइव बुक ए बी सी डी, यानी बुक सी लाइज अबाउट डी, सी लाइज अबाउट डी, ठीक है, बुक ई इज बिलो ए बट बुक डी इज अबाउ ए, तो डी अबाउ ए है, ई ए से भी नीचे है, एंड बुक बी इज बिलो ई, और बी जो है ना वो सबसे नीचे है, तो ये जब कह रहा है विच बुक इज एट द बॉटम, आपने भी पढ़ा बी सबसे बॉटम में है, थ्री पेंसिल मो कास्ट द सेम हैज टू इरेजर, थ्री पेंसिल टू इरेजर के बराबर हैं, फिर कह रहा है पेंसिल फोर इरेजर, फोर इरेजर बराबर हैं वन रूलर के, इसका मतलब है वन रूलर बहुत महंगा है, क्योंकि फोर इरेजर्स तो वन रूलर सबसे महंगे है, पेंसिल मोर एक्सपेंसिव है, नहीं ये बिल्कुल फॉल्स बात है, और 199 में भी है, 198 में भी बी है, ठीक है। लास्ट वन है चूज द करेक्ट मिसिंग टर्म, सी है, डी को छोड़ के एफ है, जी एच को छोड़ के आई है, जे के को छोड़ के आप एल लगा दोगे, इसी तरह फोर है जमा फाइव नाइन जमा सेवन सिक्सटीन, सिक्सटीन में नाइन डालो तो पच्चीस, एल पच्चीस, अब ये आर ओ आर है ना, एस टी को छोड़ के यू वी डब्ल्यू छोड़ के एक्स, इससे पहले अब दो छोड़ दो ओ है ना पी क्यू को छोड़ के आर, तो इधर फिर ओ आ जाएगा, दैट्स वाई सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, और यहाँ पे हमारी पूरी डिस्कशन खत्म हो